छोटा जा ना किस्सा शेयर करना चाहना वा एहसान फरामोशी बारे अते बदलाखोरी दी राजनीति बारे। एहसान फरामोशी में इस करके क्या मेरा उही 2017 वाला जो केस सीगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनना सी पूरा मसला। भगवंत सिंह मान ने स्पेशल अपने एडवोकेट जनरल उत्थे भेजा, तिने दिन उन्हें पूरी वाह लाई उत्थे किसी तरीके नाल पाल सिंह खेरा नूं मुड़ उस केस विच फसाया जावे। ये सारी लड़ाई मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी के वास्ते की, अपनी मतलब जान को खतरे च पा के NDPS वर्गे संगीन केस में आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़दिया जो मेरे खिलाफ किया गया उस वक्त भगवंत मान को तो चाहिए सगा कि अपने एडवोकेट जनरल को कहता कि सारा झूठा केस है, क्योंकि उन्होंने तो पता मेरे नाल ही उस वेले ते इन्हूं तो मेरी मदद करनी चाहिए सी। उन्हें एडवोकेट जनरल को बुला के क्या चीफ मिनिस्टर ने कि सुखपाल सिंह खेरा का केस निकल रहा सुप्रीम कोर्ट में, इन्हों आप टंगना वा इन्हों का लिहाज करना चाहिए सगा कि उस वेले सारी लड़ाई खेरे ने आम आदमी पार्टी वास्ते लड़ी आ ते साडा इहदा विरोध करना नहीं बनता। दोस्तों अज मैं तुहाडे नाल एक छोटा जिहा ना किस्सा शेयर करना चाहुंदा वां एहसान फरामोशी बारे अते बदलाखोरी दी राजनीति बारे। तुहानू सब नू पता वा कि जदों 2017 च मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा तां उस वक्त खड्डां दा बड़ा वड्डा मसला उठिया सीगा, माइनिंग स्कैंडल उठिया सी, और मैं एज लीडर ऑफ ओपोजिशन मेरा फर्ज सीगा मैं उस वेले दी सरकार नू बहुत जोर नाल टारगेट कीता जिहदे नतीजे वजों एक मिनिस्टर राणा गुरजीत नू कैबिनेट चों कढ़िया गया, और उस गल का मेरे नाल हिसाब सैटल करन वास्ते मेरे खिलाफ मेरा नाम जिहड़ा सीगा एक फाजिलका दी अदालत विच पुराना 2015 दा NDPS केस चल रहा सीगा ड्रग्स दा, जिहदी FIR विच मेरा नाम नहीं सीगा, जिहदी चलान विच मेरा नाम नहीं सीगा, जिहदे कोई मेरे खिलाफ रिकवरी नहीं सीगी। सारी ट्रायल जदों होगी बिल्कुल कंप्लीशन दे लागे आ गई तां उस वक्त दी सरकार ने मैनिपुलेट करके दो पुलिस वालां नूं वापस अदालत विच बुलाया, उन्हां को बयान दोबारा ले रिकॉल करके कि सुखपाल सिंह खेरे का इस मसले विच रोल है, तो अदालत ने मैनू तलब कर लिया सैक्शन 319 विच दूजे दोषियों नूं सज़ा देने तो बाद उन्हां नूं सज़ा करके केस बंद करता, तो मैनू 319 विच तलब कर लिया। मैं हाई कोर्ट विच गया, उस वक्त मैं लीडर ऑफ ओपोजिशन सीगा, हाई कोर्ट ने मेरी गल नहीं मनी, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले नूं स्टे कर दिता, तो मेरा बचाव हो गया। ये सारी लड़ाई मैं उस वक्त आम आदमी पार्टी के वास्ते की, अपनी मतलब जान को खतरे च पा के NDPS वर्गे संगीन केस में जिस केस नूं मुड़ के आधार बना के ED ने मेरे ते छापा मारिया, ED ने मेरे उत्ते मुकदमा दर्ज किया, तो मैनू लगभग 80 दिन पटियाले जेल में रहना पिया। मसला उही सीगा जिहड़ा मैं खड्डा का मसला उठाया, सरकार का विरोध किया। एहसान फरामोशी में इस करके क्या कि हुण पिछले हफ्ते मेरा उही 2017 वाला जो केस सीगा वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुनना सी पूरा मसला, तीन दिन चलिया, तो भगवंत सिंह मान ने स्पेशल अपने एडवोकेट जनरल उत्थे भेजा विनोद कई नूं, तिने दिन उन्हें पूरी वाह लाई उत्थे किसी तरीके नाल उहदा फैसला हले आवेगा राखवा रख्या होया, उहदी पूरी वाह लाई कि किसी तरीके नाल सुखपाल सिंह खेरा नूं मुड़ उस केस विच फसाया जावे। मतलब जिहड़ी लड़ाई मैं आम आदमी पार्टी वास्ते लड़ी मेरा तो उहदे च जाती कुछ नहीं सीगा, अगर मैं ना लड़ता जिदा बाकी दे चुप करके बैठे रहिंदे आ तो कुछ भी नहीं सी होना, वो खड्डा वाले जिहड़े मास्टर बंदे सीगे वो सारे बरी हो जाने सी जां उहनां नूं राह मिल जाणा सीगा, उहनां ने छुट जाणा सी उस स्कैंडल विच्चों। आम आदमी पार्टी की लड़ाई लड़दिआं जो मेरे खिलाफ किया गया उस वक्त भगवंत मान नूं तां चाहीदा सीगा कि अपने एडवोकेट जनरल नूं कहिंदा कि सारा झूठा केस है, क्योंकि उहनूं तां पता मेरे नाल ही सीगा उस वेले ते इहनूं तां मेरी मदद करनी चाहीदी सीगी। ते बदलाखोरी मैं तां कह रिहा वां कि मैनू पता लग्या वा, मैनू दस्या दस दिंदे ने सारे अफसर, उन्हें एडवोकेट जनरल नूं बुला के क्या चीफ मिनिस्टर ने कि सुखपाल सिंह खेरा का केस निकल रहा सुप्रीम कोर्ट विच, इहनूं आपां टंगणा वा, इह शब्द वरत्या टंगणा वा, ते मेरे खिलाफ पूरा इन्हां ने टिल लाया विच ही दूसरे वकीलों ने जिहड़े इन्हां ने खड़े कीते खब्बे सज्जे होर भी जिहड़े साडे विरोधी उन्हां ने अपने वकील भेजा सी उत्थे अदालत दे विच, पर मैनू उस परमात्मा वाहिगुरू दे उत्ते पूर्ण भरोसा क्योंकि मैं कुछ गलत नहीं कीता। मेरा ड्रग्स के मसलों नाल दूर दूर का कोई संबंध नहीं, सिर्फ एक आदमी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीगा गुरदेव सिंह मार्केट कमेटी का चेयरमैन, उन्हें सिर्फ कॉलां मैनू करता सीगा, कॉलिंग के आधार के उत्ते मैनू लिया के चक के उत्ते सारा फसाता, सिर्फ टैलीफोन रिकॉर्ड के उत्ते ना, मैं फिर रीएट्रेट कर दिना ना FIR ना चलान ना रिकवरी ना उस केस की ट्रायल में मेरा कोई रोल सीगा, वो सारे 20-20 साल की कैद करके 10-10 साल कैद करके सज़ा कट रहे हैं, लेकिन ਸਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਖੇਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ
ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ 10-15-20 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ 3 ਦਿਨ, ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡਰ 100% ਸੱਚ ਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਿਠਾਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਭੁੱਲਣਾ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਬੋਕਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ।